हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वायवी परिवेश। यह सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि इसी चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर से संबंधित आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके सभी वीडियो देख लीजिए। उसको देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे क्यूबर 96। क्या स्टूडेंट? क्यूबर 96 सर्च करते हैं तो उसके प्लेलिस्ट में एकेडमिक नाम से एक फोल्डर है, उस फोल्डर में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वायवीय परिवेश। होपफुली ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। स्टूडेंट, पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि पक्षियों का जो शरीर होता है वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। ठीक है, इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। जो इनका शरीर होता है पक्षियों का शरीर नौकाकार अर्थात नाव के समान कुछ यूं होता है और धारा रेखित होता है। ठीक है स्टूडेंट, जिससे क्या होता है, इनको हवा में उड़ने में आसानी होती है, सहायता मिलता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं इनके अग्रपाद यानी आगे का जो पैर होता है पंखों में रूपांतरित होते हैं। इनके जो आगे का पैर होता है वह पंखों के रूप में रूपांतरित हो चुका होता है। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात वह पंख में बदल चुका होता है जो उड़ने में सहायक होता है, जो क्या करता है, उड़ने में सहायता करता है पक्षियों को। ठीक है, पंख उड़ने में सहायता करता है। इनकी अस्थियां खोखली तथा वायु से भरी होती हैं। जो पक्षियों की अस्थियां होती हैं, जो हड्डी होता है इनके शरीर का, वह खोखली तथा वायु से भरी होती हैं। खोखली होती हैं और उसमें वायु भरा होता है। ठीक है स्टूडेंट, वायु भरा होता है। और उसके अलावा हम लोग बात करें तो वायु के साथ साथ में इससे वायु भरने के वजह से क्या होता है, इनका शरीर हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है, इनकी हड्डियां पहली चीज़ तो खोखली होती हैं और हड्डियों में क्या होता है, वायु भरी होती है, जिससे क्या होता है, इनका शरीर हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। जिस तरह से आप बलून को देखते हैं, गुब्बारे को देखते हैं, हवा भरा होता है, वो हवा में ऐसे उड़ने लगता है, वैसे इनकी हड्डियां खोखली होती हैं और उसमें हवा होता है जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है और उड़ने में सहायता मिलता है। आगे देखिए, फेफड़ों से जुड़े वायु कोष में हवा भर जाती है। इनके शरीर के हड्डियों में वायु जाता कैसे है कि इनके फेफड़े से जुड़ा होता है वायु कोष जिसमें हवा भरा जाता है, अर्थात हवा भर जाता है। ठीक है, फेफड़ों से जुड़ा होता है, फेफड़े में जैसे वायु जाता है तो इनके वायु कोष में भी हवा चला जाता है, भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। और हवा भर जाने की वजह से क्या होता है कि उड़ते समय इनके शरीर को हल्का रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह विशेष रूपांतरण के लिए पक्षियों में होता है। इस तरह से देखा जाए तो जो ये विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में ही होता है। यह जो रूपांतरण होता है कि इनके हड्डियों में वायुकोष होता है, इनके हड्डियों में हवा होता है और इनके आगे का जो पैर होता है पंख के रूप में बदल चुका होता है, तो यह जो विशेष रूपांतरण है यह सिर्फ किस में देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों में ही देखा जाता है। क्लियर स्टूडेंट, पक्षियों की बात करें तो जैसे तोता, कबूतर, गौरैया, कौवा, कोयल आदि, ये सब पक्षियाँ ही हैं। ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिए, शंकुआकार, शंकुआकार शब्द से आशय है शंकु के आकार का। कैसा, शंकु के आकार का। जैसे आप शंकु देखे होंगे, शंकु कुछ यूं होता है, तो ऐसे इनका जो शरीर होता है शंकुआकार होता है, अर्थात आगे का हिस्सा जो होता है वह पतला होता है, ऐसे नुकीला होता है, नाव के समान होता है। क्लियर है, आगे देखिए। आगे हम लोग बात करें तो अपने चारों ओर पाए जाने वाले उड़ने वाले
अपने जो आप जहाँ हैं उसके अगल बगल आपके परिवेश में चारों ओर पाए जाने वाले उड़ने वाले पक्षियों पर ध्यान दें। इस तरह से आपके परिवेश में जो पक्षियाँ उड़ते हुए दिखाई देते हैं उसको ध्यान दें। क्या आप जानते हैं यह कैसे उड़ते हैं? इनके उड़ने की गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन करें और इनके जो उड़ने की गतिविधि है उसको अवलोकित करें, ध्यान से देखें। क्या देखते हैं? यह उड़ने के पूर्व शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं। जब ये उड़ते हैं तो उड़ने के पूर्व क्या करते हैं? शरीर को फुलाकर पंख फैलाते हैं, अर्थात शरीर को फुला लेते हैं और पंख फैलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? निश्चित दिशा में ऊपर दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं और निश्चित दिशा में जिस दिशा में उड़ना होता है उसी दिशा में दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं, अर्थात दाएं बाएं इस तरह से उड़ते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके जा आ सकते हैं। क्लियर है बात? सबसे पहले क्या आपने देखा कि यदि किसी पक्षी को उड़ते समय आप देखेंगे, अवलोकित करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि उड़ने के पूर्व शरीर को फुलाकर पंख फैलाते हैं, फिर निश्चित दिशा में दाएं बाएं उड़ान भरते हैं। क्लियर बात? अब हम लोग यह कंक्लूजन के तौर पर पूरे चैप्टर का निचोड़ हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर के रूप में, जो कि आपके चैप्टर का यह लास्ट है, ठीक है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। स्टूडेंट, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ऊँट के पैर गदीदार होते हैं और रेगिस्तान में चलने में आसानी होती है इनको, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ऊँट कई दिन तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। जो ऊँट होते हैं बिना पानी के कई दिन तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के या तो पत्तियां होती ही नहीं हैं या बहुत छोटी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां होती ही नहीं हैं या तो होती भी हैं तो बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। यह विशेषता इसलिए होता है क्योंकि डिजर्ट में, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। यदि पत्तियाँ बहुत बड़ी होंगी तो क्या होगा, उनके पत्तियों से पानी की खपत ज़्यादा होगी और पौधे जल्दी सूख जाएंगे, इसलिए पत्तियां या तो होती ही नहीं हैं या होती भी हैं तो छोटी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलें। पहाड़ों पर रहने वाले जो पशु होते हैं जैसे याक, भेड़ की त्वचा मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है और शरीर पर फर होते हैं और उनके शरीर पर फीडर्स पाए जाते हैं, फर पाए जाते हैं रोम की तरह, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। क्या करते हैं? ठंड से बचाते हैं, ठंडी लगने से बचाते हैं, क्योंकि उनकी जो त्वचा होती है मोटी होती है जिससे उनको कम ठंडा लगता है और उनके ऊपर फीडर भी पाया जाता है उससे भी इनको कम ठंडा लगता है। आगे देखिए, क्योंकि आप देखते हैं पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ता है, ठंडक अधिक पड़ती है। आगे देखें, मछली की बात करें तो मछली जल में अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। मछली कैसे सांस लेती है? गिल्स के द्वारा, अर्थात उसके जो गलफड़े होते हैं वो जो गिल्स होते हैं उन्हीं के द्वारा सांस लेती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है, ठीक है। आगे देखिए, जिस स्थान के परिवेश में जंतु, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव रहते हैं वह उनका आवास कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। जिस स्थान के परिवेश में जंतु, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव रहते हैं वह उनका आवास कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ पे आप रहते हैं वही आपका आवास है, उसके अगल बगल का क्षेत्र वही आपका परिवेश है। क्लियर है बात? आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जंतु जिराफ है। क्या स्टूडेंट? विश्व के सबसे ऊंचे जंतु की बात करें तो जिराफ है। आगे देखिए, विशेष लक्षण एवं स्वभाव जो जीवों एवं पौधों को एक विशेष आवास में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। विशेष लक्षण, किसी भी जीवधारी का वह विशेष लक्षण एवं स्वभाव जो उस जीव को एवं पौधों को एक विशेष आवास में रहने के अनुकूल बनाता है।
उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन, अर्थात जीवधारी की वह क्षमता जिसके द्वारा वह उस परिवेश में रह लेता है वही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग तथा उससे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ठीक है स्टूडेंट, यदि सबसे बड़े पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है तथा सबसे छोटा पक्षी की बात करें तो हमिंग बर्ड। ये दोनों बातें याद रखिएगा, सबसे छोटी पक्षी कौन सी है, हमिंग बर्ड, और सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग। क्लियर स्टूडेंट, तो यह सेकेंड चैप्टर कम्प्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग थर्ड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।